हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशी तन्नी। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल, जो कि टास्क एंड असाइनमेंट से रिलेटेड है, जिसका कोड है CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये फर्स्ट पेपर भी होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी इंडेक्स तैयार की है। हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। जैसा कि इस वाले पेपर का जो मेन टॉपिक है, हमने अपने असाइनमेंट के लिए वही सिलेक्ट किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पे हमने अपना टॉपिक मेंशन किया है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड देन हमारा फर्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा का अर्थ। यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देंगे। सेकेंड हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा की परिभाषा। थर्ड, समावेशी शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य। कौन कौन से प्राथमिक लक्ष्य होते हैं समावेशी शिक्षा के लिए, वो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज नोट किए हैं। एंड देन फोर्थ, समावेशी शिक्षा की प्रकृति। यहाँ पर भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं, ये आप अपने बुक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। एंड देन नाउ हमारी सिक्स्थ हेडिंग आती है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा क्या उद्देश्य है, किसके लिए ये बनाई गई है। एट पॉइंट्स उद्देश्य से रिलेटेड है। एंड सेवेंथ हेडिंग है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आवश्यकता है वो सारे पॉइंट्स नोट करेंगे कि मतलब हमें क्या नीड हुई जो इस समावेशी शिक्षा को लाया गया शिक्षा की नीति में। एंड एट्थ हेडिंग है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाइन्थ हेडिंग है हमारी समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। तो यहाँ पर हमने वो सारे सुझाव मेंशन किए हैं जिनसे इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। एंड लास्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष निकल के आता है। हमने जो पूरा असाइनमेंट तैयार किया है लास्ट में। सो या फ्रेंड्स, ये फाइल यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।